क्वेश्चन ये है कि बॉल इनिशियली रेस्ट में है और ब्लॉक की वेलोसिटी वी नॉट के इक्वल है, तो अगर वर्टिकल वॉल से कैपिटल एल डिस्टेंस पर ब्लॉक बॉल से कोलाइड करता है तो ये प्रूफ करना है कि ब्लॉक और वर्टिकल वॉल के बीच मिनिमम सेपरेशन कैपिटल एल इंटू रूट अंडर स्मॉल एम बाई कैपिटल एम के इक्वल होगा, वेयर स्मॉल एम इज़ द मास ऑफ द बॉल, कैपिटल एम इज़ द मास ऑफ द ब्लॉक, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड स्मूथ है और सारे कोलिजन प्योरली इलास्टिक हैं। तो इसको प्रोसीड करते हैं। इनिशियली बॉल रेस्ट में है, ब्लॉक की वेलोसिटी वी नॉट के इक्वल है, तो ये कन्फर्म है कि ब्लॉक और बॉल के बीच फर्स्ट कोलिजन वर्टिकल वॉल से कैपिटल एल डिस्टेंस पर होगा। कोलिजन के बाद बॉल वर्टिकल वॉल की तरफ मूव करेगा, वर्टिकल वॉल से कोलाइड करके बॉल वापस आएगा और जो ब्लॉक है वो भी कुछ आगे मूव करेगा और ब्लॉक और बॉल में सेकेंड कोलिजन होगा। ठीक है, अगेन कोलिजन के बाद बॉल वर्टिकल वॉल की तरफ मूव करेगा, वर्टिकल वॉल से कोलाइड करके वापस आएगा, ब्लॉक भी थोड़ा आगे मूव करेगा और फिर अगेन ब्लॉक और बॉल में थर्ड कोलिजन होगा। मतलब जो बॉल है वो हमेशा ब्लॉक और वर्टिकल वॉल के बीच में मूव करेगा और दोनों से बार बार कोलाइड करेगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि बॉल ब्लॉक से जब कोलाइड करता है तब वो ब्लॉक पर बैकवर्ड डायरेक्शन में इम्पल्स अप्लाई करता है और उस इम्पल्स की वजह से ब्लॉक की वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। तो कन्फर्म है कि ब्लॉक की वेलोसिटी डिक्रीज करेगी और साथ में बॉल की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी क्योंकि सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। ठीक है, मतलब ये कि जिस इंस्टेंट पर ब्लॉक की वेलोसिटी घटते घटते ज़ीरो हो जाएगी उस इंस्टेंट पर ब्लॉक और वर्टिकल वॉल के बीच सेपरेशन मिनिमम होगा और उसी सेपरेशन को फाइंड करना। ठीक है, तुम क्या करते हैं कि फर्स्ट कोलिजन से जस्ट पहले और फर्स्ट कोलिजन के जस्ट बाद सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं। ये वर्टिकल वॉल है, ये ग्राउंड है, दिस इज ब्लॉक, दिस इज बॉल। ठीक है, इनिशियली ब्लॉक की वेलोसिटी इस तरफ वी नॉट के इक्वल है और बॉल रेस्ट में है। मतलब बॉल और ब्लॉक के बीच फर्स्ट कोलिजन वर्टिकल वॉल से कैपिटल एल डिस्टेंस पर हो रहा है। फर्स्ट कोलिजन के जस्ट बाद मानते हैं कि ब्लॉक की वेलोसिटी इस तरफ वी वन के इक्वल और बॉल की वेलोसिटी इस तरफ यू वन के इक्वल हो जाती है। दिस डिस्टेंस इज स्टिल इक्वल टू कैपिटल एल। ठीक है, दिस इज सिचुएशन जस्ट बिफोर कोलिजन एंड दिस इज सिचुएशन जस्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है, सो दिस इज फॉर फर्स्ट कोलिजन सिचुएशन जस्ट बिफोर कोलिजन वन, दिस इज सिचुएशन जस्ट आफ्टर कोलिजन वन। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड करते हैं कि ब्लॉक और बॉल के बीच सेकेंड कोलिजन किस पोजिशन पे होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ब्लॉक और बॉल के बीच सेकेंड कोलिजन वॉल से L2 डिस्टेंस पे होता है और अगेन ये भी जो करते हैं कि यहाँ पर जो कैपिटल L है वो L1 के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू L1। मतलब जो फर्स्ट कोलिजन है वो वर्टिकल वॉल से L1 डिस्टेंस पे हो रहा है और सेकेंड कोलिजन वर्टिकल वॉल से L2 डिस्टेंस पे हो रहा है।
So this is situation just before collision 2, ठीक है. तो सेकेंड कोलिजन से जस्ट पहले ब्लॉक की वेलोसिटी भी वन ही रहेगी और जो बॉल है उसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में यू वन के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि बॉल और वर्टिकल वॉल के बीच कोलिजन प्योरली इलास्टिक है, तो स्पीड चेंज नहीं होगा, ठीक है. अगेन सेकेंड कोलिजन के जस्ट बाद सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं. सेकेंड कोलिजन के जस्ट बाद ये डिस्टेंस स्टिल एल टू के इक्वल होगा और मान लेते हैं कि ब्लॉक की वेलोसिटी इस तरफ वी टू हो जाती है और बॉल की वेलोसिटी इस तरफ यू टू के इक्वल हो जाती है. दिस इज सिचुएशन जस्ट आफ्टर कोलिजन टू, ठीक है. अब हम सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, ठीक है. तो पहले हम L1 और L2 में रिलेशन फाइंड करते हैं. तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट कोलिजन के जस्ट बाद ब्लॉक वर्टिकल वॉल से L1 डिस्टेंस पे था और सेकेंड कोलिजन के जस्ट पहले ब्लॉक वर्टिकल वॉल से L2 डिस्टेंस पे है. मतलब ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड द वॉल L1 माइनस L2 के इक्वल होगा, ठीक है. तो मान लेते हैं कि ब्लॉक को L1 से L2 डिस्टेंस आने में t टाइम लगता है. सो वी हैव t इक्वल टू L1 माइनस L2, दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, दैट इज v1, ठीक है. मतलब फर्स्ट कोलिजन के जस्ट बाद ब्लॉक वर्टिकल वॉल से L1 डिस्टेंस पे था और सेकेंड कोलिजन के जस्ट पहले ब्लॉक वर्टिकल वॉल से L2 डिस्टेंस पर है. सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू L1 माइनस L2 एंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज V1. सो टाइम टेकन विल बी L1 माइनस L2 बाई V1. अगेन सेम टाइम में जो बॉल है वो पहले L1 डिस्टेंस ट्रेवल करके वर्टिकल वॉल से कोलाइड करता है और अगेन फिर L2 डिस्टेंस ट्रेवल करके ब्लॉक के पास आता है. सो टाइम t फॉर द बॉल विल बी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्पीड. तो यहाँ पर बॉल का जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है वो L1 प्लस L2 है. सो दिस इज L1 प्लस L2 डिवाइड बाय स्पीड, दैट इज u1, ठीक है. सो दिस इंप्लाई दैट L1 माइनस L2 डिवाइड बाय L1 प्लस L2 इज इक्वल टू V1 बाय u1, ठीक है. इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करते हैं. सो दिस इंप्लाई दैट दोनों को पहले ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2L1 डिवाइड बाई, अगेन डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2L2 इक्वल टू, ये हो जाएगा U1 प्लस V1 डिवाइड बाई U1 माइनस V1, ठीक है. 2 टू कैंसिल. सो दिस इंप्लाई दैट L1 इंटू U1 माइनस V1 इज इक्वल टू L2 into U1 plus V1, ठीक है. नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि अप्लाई करते हैं कि सेकेंड कोलिजन के लिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों इक्वल होगा बिकॉज कोलिजन इज ऑलवेज इलास्टिक, ठीक है. सो वी हैव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू U2 माइनस V2, U2 माइनस V2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज U1 प्लस V1,
यू वन प्लस वी वन, ठीक है। तो यहाँ पर हम यू वन प्लस वी वन की वैल्यू पुट करते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट एल वन इंटू यू वन माइनस वी वन इक्वल टू एल टू इंटू यू टू माइनस वी टू, ठीक है। अब इस रिजल्ट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, इस रिजल्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी रिजल्ट को एनालाइज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस रिजल्ट का मतलब ये हुआ कि किसी भी कोलिजन के लिए कोलिजन का पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट है। दिस इज फॉर एवरी कोलिजन, ठीक है। तो अपन देख सकते हैं कि फर्स्ट कोलिजन के जस्ट बाद ये वाला सिचुएशन, तो फर्स्ट कोलिजन का जो पोजीशन है वो L1 है और फर्स्ट कोलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन U1 माइनस V1 है। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फॉर फर्स्ट कोलिजन। नेक्स्ट सेकेंड कोलिजन के जस्ट बाद देखते हैं, तो सेकेंड कोलिजन का जो पोजीशन है वो L2 है और सेकेंड कोलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन U2 माइनस V2 के इक्वल है। जैसे U2 माइनस V2 मतलब किसी भी कोलिजन के लिए पोजीशन ऑफ कोलिजन और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब ये कि थर्ड कोलिजन अगर वर्टिकल वॉल से L3 डिस्टेंस पर होता है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो टर्म है दिस इज अगेन इक्वल टू L3 इंटू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर थर्ड कोलिजन, दैट विल बी U3 माइनस V3, ठीक है। अगेन अगर हम nth कोलिजन की बात करें और ज़ूम करें कि nth कोलिजन के बाद ब्लॉक का पोजीशन वर्टिकल वॉल से एलन है, देन दिस इज इक्वल टू एलन इंटू यू एन माइनस वी एन, ठीक है। एलन इज द पोजीशन ऑफ एंथ कोलिजन एंड यू एन माइनस वी एन इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द एंथ कोलिजन। मतलब ये जो टर्म है वो हर एक कोलिजन के लिए कांस्टेंट है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि उस कोलिजन को कंसीडर करेंगे जिस कोलिजन के बाद ब्लॉक रेस्ट में आ जाएगा और उस समय ब्लॉक का जो पोजीशन होगा वही ब्लॉक और वॉल के बीच मिनिमम सेपरेशन होगा। तो हम एज्यूम करते हैं कि जिस कोलिजन के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो हो जाती है वो कोलिजन वर्टिकल वॉल से डी डिस्टेंस पर होता है, ठीक है। ये ब्लॉक है और कोलिजन के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, ये डिस्टेंस डी की इक्वल है और कोलिजन के बाद बॉल की वेलोसिटी इस तरफ यू की इक्वल है, ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो है, मतलब ब्लॉक यहां पर रुक जाएगा, ठीक है। तो हम जो टर्म है उसको फर्स्ट कोलिजन और इस वाली कोलिजन के लिए इक्वेट करते हैं, ठीक है। सो फॉर दिस कोलिजन we have this will be equal to d, that is position of collision, position मतलब vertical wall से जिस distance पर collision होगा that is position of collision, ठीक है। d into velocity of separation, तो यहाँ पर velocity of separation u minus 0 के equal है, u minus 0, again u की value हम find कर सकते हैं और साथ में
यहाँ पर यू वन माइनस वी वन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अप्लाई करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। सो वी हैव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू यू वन माइनस वी वन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज वी नॉट, ठीक है। तो जो फर्स्ट टर्म है हो जाएगा एल वन, एल वन इज इक्वल टू कैपिटल एल, सो दिस टर्म इज कैपिटल एल इंटू यू वन माइनस वी वन दैट इज वी नॉट इक्वल टू दिस टर्म दैट इज डी इंटू यू, ठीक है। अब हम यू की वैल्यू एनर्जी कंजर्वेशन फाइंड करेंगे, क्योंकि सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी बिकॉज देर इज नो फ्रिक्शन, ठीक है। मतलब ये कि सिस्टम की जो इनिशियल एनर्जी थी वही इस इंस्टेंट पर सिस्टम की एनर्जी रहेगी। सो वी हैव इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू हाफ कैपिटल एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट दिस इंस्टेंट। तो इसमें ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो है, मतलब मतलब ये कन्फर्म है कि ब्लॉक की टोटल काइनेटिक एनर्जी बॉल को ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज हाफ स्मॉल एम यू स्क्वायर, ठीक है। हाफ हाफ कैंसिल, सो दिस इंप्लाई दैट यू इज इक्वल टू वी नॉट इंटू रूट अंडर कैपिटल एम बाई स्मॉल एम, ठीक है। तो यहाँ पर यू के वैल्यू पुट करते हैं, सो दिस इंप्लाई दैट कैपिटल एल वी नॉट इज इक्वल टू डी, डी इज द मिनिमम सेपरेशन, डी की वैल्यू फाइंड करनी है, इंटू यू दैट इज वी नॉट इंटू रूट अंडर कैपिटल एम बाई स्मॉल एम, वी नॉट कैंसिल, सो फाइनली वी हैव डी इक्वल टू कैपिटल एल इंटू रूट अंडर स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो पूरी कहानी ये है कि इनिशियली बॉल रेस्ट में था, ब्लॉक की वेलोसिटी वी नॉट के इक्वल थी, और जो बॉल है वो ब्लॉक पर बैकवर्ड एक्शन में बार बार इम्पल्स अप्लाई करता है, और उस इम्पल्स की वजह से ब्लॉक की वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करेगी। जिस इंस्टेंट पर ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी उस समय ब्लॉक और वर्टिकल वॉल के बीच सेपरेशन मिनिमम होगा, और इसके बाद क्या होगा उसको भी हम समझ सकते हैं। इसके बाद जो बॉल है वो वर्टिकल वॉल से कोलाइड करके वापस आएगा और अगेन ब्लॉक से कोलाइड करेगा, और उस कोलिजन की वजह से ब्लॉक की वेलोसिटी बैकवर्ड एक्शन हो जाएगी। मतलब इसके बाद ब्लॉक की वेलोसिटी बैकवर्ड एक्शन में इंक्रीज करेगी, ठीक है। और यहाँ पर यह समझना इम्पोर्टेंट है कि ब्लॉक प्लस बॉल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व है, क्योंकि फ्रिक्शन एब्सेंट है और सारे कोलिजन इलास्टिक है, लेकिन ब्लॉक प्लस बॉल का मोमेंटम कंजर्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्टिकल वॉल है वो बॉल पर बार बार इम्पल्स अप्लाई कर रहा है इस तरफ, ठीक है। मतलब इस वर्टिकल वॉल की वजह से ब्लॉक प्लस बॉल का मोमेंटम इस तरफ इंक्रीज करेगा, लेकिन सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। अगेन जिस कोलिजन के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी जो इस तरफ होगी और बॉल की वेलोसिटी जो उस तरफ होगी, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो जाए तब वो कोलिजन लास्ट कोलिजन होगा, ठीक है, क्योंकि उस कोलिजन के बाद ब्लॉक इस तरफ भी वेलोसिटी से मूव करेगा और जो बॉल है वो भी वर्टिकल वॉल से कोलाइड करने के बाद इस तरफ
वी वेलोसिटी से मूव करेगा। तो जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी तो कंफर्म है कि उसके बाद दोनों में कोई कोलिजन नहीं होगा और हम उस वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि उस कोलिजन के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी इस तरफ वी के इक्वल और बॉल की वेलोसिटी उस तरफ वी के इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो ये सिस्टम का लास्ट कोलिजन है। ठीक है, नाउ वी हैव इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। तो सिस्टम की इनिशियल टोटल एनर्जी हाफ कैपिटल एम वी नोट के स्क्वायर है। दिस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दिस इंस्टेंट। तो यहाँ पर दोनों की स्पीड भी इक्वल है। सो वी हैव टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ हाफ कैंसिल। सो वी हैव वी इक्वल टू वी नॉट इंटू रूट अंडर कैपिटल एम डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, तो इस कोलिजन के बाद ब्लॉक और बॉल के बीच कोई कोलिजन नहीं होगा। दिस इज द लास्ट कोलिजन। और लास्ट कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी वी के इक्वल होगी। ठीक है, और दोनों इस तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।